नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपना एक रूल था वो तोड़ने जा रहा हूँ वीडियो में। आज मैं पहली बार आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूँ, तो दिल थाम कर बैठिए और फार्मूला वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको एक फार्मूला दूंगा, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ उसी टॉपिक का एक फार्मूला दूंगा। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन एक फार्मूला मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आज के समय में हम में से ज़्यादातर लोग बालों की समस्या से पीड़ित हैं। किसी के बाल झड़ते हैं, किसी का बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी का बालों में रूसी हो जाती है, किसी के बाल दो मुँह हो जाते हैं। तरह तरह की समस्याएं बहुत सारी हैं। तो आजकल बाजार में कई तरह के तेल चल रहे हैं, चमेली का तेल, ब्राह्मी का तेल, इसका तेल, उसका तेल। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, दो कैटेगरी होती है। एक होता तो केवल जो खुशबूदार तेल होते हैं वही होते हैं, केवल इसमें खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं वो, और उसका कोई मतलब मेडिकेटेड इफेक्ट या फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट आपके बालों को चिकना करने का काम करता है और कुछ जिस खुशबू का लोगे उस खुशबू में आता है। दूसरा होता है मेडिकेटेड हेयर ऑयल। तो मेडिकेटेड हेयर ऑयल वो कुछ करता भी है, मतलब बालों में तो मुँह हो जाते हैं उसकी समस्या को दूर करना, जड़ों को मजबूत करना, काला करना, लंबा घना गोरा वगैरह वगैरह करना। तो आज जो फार्मूला देना जा रहा हूँ मैं, ज़्यादातर मार्केट में जो बड़ा बाज़ार है वो सुगंधित हेयर ऑयल का, फ्रेग्रेंस हेयर ऑयल का ही है। मेडिकेटेड हेयर ऑयल्स अब लोग लेना चाह रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहा है लेकिन अभी फिर भी कम है। तो मतलब ये बनाना, ये धंधा जो है ना, ये बिज़नेस जो है, ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें जो ऑयल्स का निर्माण करते हैं हम, उस ऑयल्स को निर्माण करने के लिए, ऑयल्स को बनाने के लिए, ऑयल को तैयार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस कुछ कढ़ाई है, कुछ बड़े ड्रम हैं, कुछ चलाने के लिए बड़ा बर्तन है, बड़ा जो कोई बड़ी चम्मच टाइप से है वो चीज़ चाहिए होगी, और उसके अलावा भरने के लिए आपको बोतलें, शीशियाँ, जिस भी क्वांटिटी में भरना चाहते हैं, कांच की शीशी में या प्लास्टिक की शीशी में, जैसे ही भरना चाहते हैं वो चाहिए है। अब भरने के लिए अगर आप एक फिलिंग मशीन लेना चाहते हैं तो वो फिलिंग मशीन भी उपलब्ध होती है, नहीं तो आप शुरुआत में मैनुअली कर सकते हैं ये काम। तो बहुत आसान है दोस्तों ये काम, हार्डली अगर आपके पास 50,000 या से लेकर 1,00,000 रुपये तक है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। और इसका आज के समय में बिज़नेस बड़ा अच्छा है। आजकल ठंडा ठंडा कूल ब्राह्मी आमला ये हेयर ऑयल, आमला हेयर ऑयल, फलाना हेयर ऑयल, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें ठंडा वाला तेल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा फील्ड है इसमें। या अधिक जानकारी के लिए आप हमारी रिपोर्ट है ना जो ऑनलाइन है वो आप ले सकते हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है चीज़ें के क्या आवश्यकता होती है वो मैंने आपको बता दिया। बेचने का, मार्केट का कोई समस्या नहीं, आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आजकल तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है, और ना जाने कितनी सारी कंपनियां हैं, वो सब ऑनलाइन भी बहुत सारे सामान बेचती हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। देखिए ये बिज़नेस का नया फंडा है, अगर आप मतलब ऑफलाइन नहीं बेच सकते हो तो इन ऑनलाइन कंपनियों के पास क्या है, बड़ा मार्केट बेस, कस्टमर बेस है। जो बड़ा कस्टमर बेस है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके एवज में वो लोग कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं, कुछ फीस लेते हैं आपसे, तो वो फीस आप दे के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुनाफा होता है, बुरा नहीं है। और इसमें मुनाफा ठीक है, आप ज़्यादातर खर्चे काट के आप आराम से 30-40% 50% आप आराम से बचा सकते हो, 40-50% आप बचा सकते हो आराम से इसको करने के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब शायद एक नया आइडिया मिला होगा। और बाज़ार में कई तरह के तेल हैं, इनके लिए कोई बहुत बड़े लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है, है ना। तो कि इस विभाग से उस विभाग से, ज़्यादातर विभागों से, एक दो विभागों से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और शुरुआत में जब आप छोटे स्तर पर बना रहे हैं तो छोटे स्तर पर बनाने के लिए आपको कोई खास आवश्यकता नहीं होती लाइसेंस की, ठीक है। आप MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उससे ही आपका काम चल जाएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्रेग्रेंस हेयर ऑयल, गुलाब का जो फॉर्मूला है, गुलाब का तेल बनाने का। इसके लिए सबसे पहले होता है तिल का रिफाइंड ऑयल, ठीक है, करीब 10 किलोग्राम। इसके बाद होता है बेंजोइक एसिड, वो करीब 100 ग्राम होता है,
ठीक है जी। इसके वाला अलावा रेड ऑयल कलर, रेड ऑयल कलर कम से कम 15 से 20 ग्राम होता है, ठीक है जी। उसके बाद रोजमेरी ऑयल होता है करीब 40 से 50 ml होता है, 40 से 50 ml चाहिए होता है। उसके अलावा इत्र गुलाब, गुलाब का जो इत्र होता है वो एटलीस्ट 80 से 100 ग्राम चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने से आप अच्छी क्वालिटी का गुलाब की खुशबू वाला तेल बना सकते हैं। और ये तेल जो है ये आपका मार्केट में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके टक्कर का है, ये उनका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आपके यहाँ डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसके बारे में, बिज़नेस के बारे में देखिए, जो कहावत है भारत में कि आधा अधूरा ज्ञान होता है ना वो नुकसानदायक होता है, तो पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारी रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें कई सारे 8-10 फॉर्मूले दिए हुए हैं, और आराम से मेडिकेटेड भी, और वैसे भी, और ठंडा ठंडा कूल हेयर ऑयल, जो आजकल ठंडा ठंडा कूल कूल हेयर ऑयल होता है ना उसकी बहुत डिमांड रहती है। उसको सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी मतलब प्रमोट कर रहे हैं ये कंपनी का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का मेरा आइडिया थोड़ा समझ में आया होगा। और धड़ाधड़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। और आज उम्मीद है मुझे कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आपका प्यार मिलता रहे, मेरी यही एनर्जी है। और दोस्तों ऐसा ना, कई बार क्या होता है, आपको समझ में, आपने वीडियो देखा लेकिन आपको नहीं जमा मतलब, या आपको ये धंधा नहीं करना है, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करें अपने फ्रेंड लिस्ट में, ग्रुप्स में से फॉरवर्ड कर दिया करिए। फॉरवर्ड करने से क्या होगा, कोई एक बेचारा, क्योंकि आप देश की हालत जान रहे हो, रोज़गार है नहीं, रोज़गार ख़त्म हो जाए, उल्टी रोज़गार जो नौकरियाँ थी वो छिन गई लोगों की। तो इस समय क्या है कि अगर आपके इस आइडिया से, या मात्र शेयर करने का कोई पैसा लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो शेयर करने से किसी बेचारे का भला हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पुण्य काम कोई है आपके लिए। तो आप वीडियो शेयर करिए, पुण्य कमाइए, और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। अगले वीडियो में खुद जल्दी आऊँगा। धन्यवाद।